क्यों तुम लोगों ने मेरा खून पी लिया है, इसलिए तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। लगा क्यों हुआ है? तो एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के लिए ना। बच्चों भैया बता रहे कि एक महीने की छुट्टी है बच्चों की, तो ऐसे लगा दे मजे में। ये देखो दीजिए, अरे वाह इतना बड़ा ऊंट है। ये हमारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ से हुआ सर, अपने बच्चों को कैसे करेगा जब तू इधर रहेगा। तो एम्बुलेंस का रिसेप्शन, पुलिस का सॉरी। अच्छा लिखा रिसेप्शन, देख लिया पुलिस। गर्मियों का मौसम आ गया है खतरनाक, सर्दियां चली गई, बीच में बारिश बारिश हुई थी, मौसम बढ़िया हो रहा था, पर दोबारा से गर्मियां। आपको नहीं लगता क्योंकि आपका रूम इनका रूम ये वाला है, एक तो बड़े लोग हैं, इनके यहाँ एसी भी लगा हुआ है, देखो ये एसी लगा हुआ है, इनके रूम के ऊपर है छत बनी हुई पूरा, वो टीन बना हुआ, ये रूम ठंडा रहता है। मैडम हम बाहर रहते हैं, हमारा रूम गर्म है। बाकी चल रही है तैयारियाँ पूरी, बैग वैग पैक है, क्योंकि सूट तो इतने प्यारे प्यारे बनवा रखे हैं। मैं मैंने देखना क्या क्या सूट है, क्या आज के ज़माने के लड़कियों का होता होगा। चुप रहे। क्या आज के ज़माने के लड़कियों का सूट बनता होगा भाई, सूट तो एक से ही बनाती है। मुझे लखनऊ चलाई थी। अच्छा भाभी ने दिया क्या? हाँ। वेरी गुड। तो मम्मी जा रही है जी देवबंद, देवबंद इज माई ननिहाल, तो वहाँ पे नाना नानी तो है नहीं, वो तो भगवान के पास चले गए थे, तो मेरे मामा वो रहते हैं वहाँ पे, मामा मम्मी, मम्मी वहाँ जा रही है दो चार दिन के लिए, तो हमको आज वहाँ फेंक के आएंगे। क्योंकि तुम लोगों ने खून पी लिया है, इसलिए फेंक के आएंगे। क्योंकि तुम लोगों ने मेरा खून पी लिया है, इसलिए तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। तो मम्मी को ड्रॉप करके आएंगे आज वहाँ। उससे पहले जरा भाई गर्मी आ गई, तो मुझे तो गर्मी लगती ज्यादा, तो मैं कूलर उतार के ला रहा हूँ अपना ऊपर से, क्योंकि एसी की आदत मेरी अब चली गई, मैं दो तीन साल से उससे कोरोना हुआ, तो मैं कूलर में ही सो रहा हूँ, तो एसी में सो जाऊँ किसी के यहाँ तो मुझे अजीब सा जुकाम नाक बंद सा हो जाती है। मुझे सच में लगा अभी, मैं दोस्त के इंदिरापुरम तो उसके यहाँ आता हूँ मैं, तो वहाँ एसी चल रहा था जब सुरेश और मैं और वो विकास भाई के वहाँ, तो एसी में सोया, तो मुझे सुबह उठते सब कुछ चौक था। इंसान की बॉडी यूज्ड होती है ना चीज़ों की, तो 2020-21-22 मतलब तीन गर्मी निकाल दी मैंने, क्योंकि जब कोरोना हुआ तब तो एसी छोड़ दिया था कि भाई डर हो गया था कि तबीयत खराब ना हो जाए, तब से फिर आदत बन गई। कूलर रखा है ऊपर, ऊपर से लेके आना अगर ये अलाउ करे तो, क्योंकि रास्ता यहीं से है, और ये इसका डेन, डेन मतलब जैसे शेर का होता है, इसका एरिया है पूरा डेन, तो उससे पूछना पड़ता है कि भाई कि हम तेरे एरिया में आ जाएं अपना काम करने। तो रोडो ऊपर जाना, ऊपर मुझे जाऊँ अगर पूछ लेगी तो मतलब ठीक है। हाँ मिल गई पूछ थोड़ी सी, अब मिल गया अप्रूवल। जब मैंने इसको इंग्लिश में बोला तब समझ में आया कि ना वो अपस्टेयर्स, आजकल थोड़ा हो रहा है ना कि कुत्तों से बात करनी पड़ती है इंग्लिश में, सिट स्टे ईट ऐसे करके, तो तब समझ में आया इसको भी। देखना जरा ऊपर धूप देखो कैसी है, मम्मी कह रही गर्मी नहीं हो रही। अब मम्मी का रूम तो इसके नीचे है, जस्ट नीचे, और जहाँ मैं रहता हूँ वो रूम है यहाँ पे, यहाँ यहाँ तो धूप पड़ती है पूरी, ऊपर से भी और सामने से भी, यहाँ से भी धूप पड़ती है इस पर, यहाँ से यहाँ है रूम वो। क्योंकि मम्मी ले रही सब्जियाँ, क्योंकि जाने से पहले जब मेड आई खाना बनाने, तो उसके लिए स्टॉक होना चाहिए पूरा। अब देखते हैं कि कूलर जो है अपना धुआंधार कूलर वो किस अवस्था में है। ये हमारा एक तरह का स्टोर रूम कह लो उसको, कहाँ है कूलर, हाँ ये तो सामने, ये तो बड़ा है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके सामने तो खैर एसी भी फेल है, ये तो निकलता है जब जून का महीना होता है, अभी तो यही अपना मौज कर देगा हैंडवेयर का, बस कोई भी इसमें छिपकर। अच्छा कूलर ये भी हमारा, ये तो बहुत पुराना है, इस कूलर को 20 साल हो गए, आज भी जिंदा है ये। और ये वाला कूलर है स्पेशल, जो हमारा डोडो है, हमारा डॉगी, उसके लिए है स्पेशल, ये उस पर लगता है। खैर मेरे लिए ये है, ये बड़े रूम के लिए और बहुत गर्मी तब के लिए है। अभी इसको लेके चलते हैं नीचे, बस इसमें कोई छिपकली कॉकरोच ना हो। किस टाइम? 6 बजे? 6 चलते 7 चलते। हाँ हम चलेंगे, धूप बहुत हो रही, अब मजा आएगा, मजे बांधे अभी लग रहा तो वाली जगह में गर्मी आ रही है, एसी जो गंदे वाली, तो तब तू ये कहेगा आपके तो मजे अपना आपका क्या, आप तो अपना एसी में रहो, हम अपना ये पड़े तब ताने मारेगा। भाई एसी लगवाएंगे, एसी उस रूम में लगने वाला है, उसके लिए वहाँ उसका छेक बड़ा करवाना है, इनके रूम में तो मम्मी आप आगे एक वहाँ लगवाया जाएगा, जब एसी का मन करे तब एसी, बाकी टाइम कूलर यूज़ करो। इतनी गर्मी नहीं है तो अभी तो नहीं आई, हाँ मतलब अभी तक आ जाया करे वैसे। टीवी पता क्या न्यूज़ आ रही थी क्या, कि इस बार टीवी को कूलर एसी वालों के काम बहुत ठप हो गए, और साथ में घड़े भी दिखा रखे थे, सादा पानी पी रही अभी तक, देसी महीनों के हिसाब से नहीं पता, अब लग गया जेठ का महीना, जो देसी हिसाब से होते हैं, और जेठ का महीना माना जाता था हमारे यहाँ बहुत गर्मी वाला, तो अब तो गर्मी हो गई।
तो अभी 3 महीने करके तो कम से कम ऐप के आईडी बिल्कुल मैं बीच का चल रहा हूँ जेठ और आषाढ़ का महीना जेठ दुरानी जेठानी जो भी है बाद 3-4 महीने की तो 3-4 के तो लेकिन अभी शुरुआत ही है बात अब बस एक दिक्कत हुआ करेगी जैसे अगर ब्लॉग बनाना है या कुछ बोलना है कैमरे में तो बार बार आओ उसको बंद करो तब बोलो क्योंकि अगर ये चलेगा तो फिर भैया आवाज आएगी ये बस दिक्कत है इसके साथ एसी और इसमें अगर मैं मेन दिक्कत बताऊं वो बस ये आवाज की है यार एनीवे चलेंगे थोड़ी देर में देवबंद तो थोड़ा सा आपको देवबंद भी घुमा लाएंगे आज जो मेरा ननिहाल है कोई मतलब नहीं रहा आपसे आपको लग रहा आपसे मतलब है अभी तो लग रहा कि आप यहीं कहीं जा रही होंगी देख के बैठना पड़ेगा छिपकर लेगा मौसम आगे हर तरफ से अभी छिपकली छिपकली हर तरफ गंदी गंदी सी लिस लिस सी अभी बहुत देर से मैं कैसे उठाई निकाल लिया 20 मिनट में लगा पड़ा 20 मिनट से लगा पड़ा था रसोई के सिंक में आ गई थी दूर दूर से करा था पापा गए पास में जाके उसे बोटे पन्नी पन्नी बिठा के नाना धोना हो गया ऑफिस का काम हो गया अब जा रहे हैं मम्मी को ड्रॉप करने देवबंद तो भैया पहुंचने वाला देवबंद और देवबंद में मेन अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट क्या मतलब जो भक्ति भवन वाली बात है वो है कौन सा मंदिर है बाला सुंदरी अब वहां पे लगता था मेला पर अब वो हट गया है ना हट गया नहीं, लगता था अभी भी लगा था अब हट गया होगा तो अब तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको बट उसका मैंने मंदिर का ब्लॉग बनाया पूरा का पूरा मम्मी और मैं ही गए थे तो ऊपर आई बटन मारा हुआ वो देख लेना देखना हो तो बाकी पहुंचने वाले हैं और मेरी माता जी जो है वो देवबंद के मशहूर वैजी जो वैजी थे उनकी वो है लड़की हमारी तो वहाँ आयुर्वेद की दुकान है लक्ष्मी आयुर्वेद भंडार के नाम से उनका नाम क्या था नाना जी का रेलवे रोड नाना जी का श्री लक्ष्मी दर्शन अच्छा आपके नाम भी लक्ष्मी है श्री लक्ष्मी आयुर्वेदिक भंडार तो जो मेरे नाना जी थे वो थे आगे बहुत ही मशहूर वैद्य मतलब वो किसी की भी बीमारी दूर दूर से लोग आते थे गाँव से है ना दूर से आते थे तो उनकी बीमारी ठीक कर देते थे वो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के थ्रू नब्ज के थ्रू देख के बता देते थे हाथ में नब्ज होती है कि कौन सी बीमारी क्या बीमारी है ना तो वो वाला सिस्टम था उनका मतलब जो मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है मम्मी के साइड का पापा का सब ये लोग रहे हैं फेमस लोग हम ही थोड़े बेबू से निकल गए जो पापा वाला वो है बैकग्राउंड जो मेरे ताऊ जी वगैरह थे वो भी उसमें थे पॉलिटिक्स में और ये इधर ये इनका सिस्टम था वहां से उन्होंने नंबर बोल दिया गाड़ी का कंट्रोल रूम में मैसेज होगा आने जाने का होगा वहाँ पे लिखा जाएगा एक्सेप्शन अच्छा एम्बुलेंस का एक्सेप्शन पुलिस का सॉरी अच्छा ऐसा लिखा जाएगा देखो एक्सेप्शन देख लिया पुलिस पहुँच गए भैया अपने मामा के यहाँ पहुँच गए भैया और जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सबने अपने एरिया में अपने फील्ड में अच्छा खासा नाम कमाया है नाम और इज्जत तो ये जो टोल का जो मैटर था ये मेरा कुछ नहीं था ये जो मेरे पिताजी है उनका मैटर था ये अब इसमें क्या है कि पापा मेरे सरकारी वकील हैं तो मतलब स्टाफ की गाड़ी इस तरीके से टोल वोल इस साइड पे क्योंकि इसके पास फास्टैग भी नहीं है वैसे जहाँ फास्टैग होता है वहां तो मैं फास्टैग के थ्रू अपने आप कट जाता पैसा पर इस वाले में फास्टैग भी नहीं है पता नहीं क्यों तो यहाँ पे बोल देते हैं तो यहाँ पे निकल जाती गाड़ी अपनी और वैसे भी जो देवबंद है उसके खाली टोल के 10 किलोमीटर आ गए 10 से भी कम तो उसके लिए क्या सेंस बनता था 250 रुपए देना खैर एनीवेज बात क्या भी है पहुंच गए मम्मी को ड्रॉप करते हैं अंदर मिलके आता हूं उसके बाद निकलते हैं वापस मुजफ्फरनगर के लिए अच्छा नमस्ते हाँ आप तो बता याद है ठीक है नमस्ते मिलता हूँ भैया जी मम्मी को ड्रॉप कर दिया थोड़ी देर बैठ के निकल गया और आप घर पे मन नहीं लगेगा क्योंकि घर पे पापा जाते हैं कचहरी सुबह शाम को आते हैं तो मम्मी और मैं ही लगे रहते हैं आपस में इधर उधर की बातें बकवास करने में बट चलो कोई नहीं 2-4 दिन में आ जाएंगे वापस जब इनका मन हो जाएगा यहाँ से तब तक के लिए 2-4 कंटेंट सोचे हैं मुजफ्फरनगर में बनाने के अरे भाई साहब देवबंद की तरक्की हो चुकी है भाई साहब ट्रेंड्स व्रेंड्स ठीक है अस्पताल अच्छा है ये क्या खुला आगे इसका लॉन्च खुल गया भाई देवबंद में गजब फुल तरक्की हो चुकी वरना पहले में जब मैं बचपन में आता था तब कुछ नहीं था बाकी एक दो कंटेंट सोच रखे हैं मैंने जो मुजफ्फरनगर में बनाना है तो जब तक मम्मी यहाँ रहेंगी
अब तक हम उनको शूट कर लेंगे। बाकी अब पहुंचते हैं फटाफट मुजफ्फरनगर। ये है मेन देवबंद का चौक है, ये सुभाष चौक। यहाँ से ये रास्ता जाता है वापस हाईवे को। इस वाले रास्ते पर अंदर है मेन बाजार, जहाँ पे शॉप है जो मम्मी बता रही थी हमारी। लेफ्ट में जाता है ये रास्ता, आगे यहाँ पे सारे गाँव वगैरह जैसे कि महेशपुर हो गया, बड़गांव, वड़गांव, सहारनपुर, तो रास्ते ही निकलता है। जस्ट अभी शहर में पहुंचा हूँ। और क्या हो रहा है भाई, झूले पूरे लगा रखे हैं इसमें शोल्डर बोर्ड के अंदर। क्या मैटर है, लाइटिंग वाइटिंग भाई जी, इसमें तो फिर घूम के आना पड़ेगा भैया जी, दिखाना पड़ेगा। चल कर आए हमारे शहर में, इसमें तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने शोल्डर बोर्ड कौन से मेरे लगने लगे, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। करते हैं गाड़ी पार्क, घूम के आते हैं अंदर। आओ, आपका ही मन करे जिससे अगर आने का तो देख लो कि क्या क्या मैटर है अंदर। मैं भी देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। भाई समझ नहीं आ रहा किस बात का मेला है, पर इतना समझ में आ रहा है कि सिर्फ झूले हैं इस मेले में, सिर्फ झूले। ये देखो, एक दो तीन चार पांच उधर छह, वो ट्रेन चल रही है, सिर्फ झूले हैं इसमें, सिर्फ झूले। वहां तो सिर्फ दो हैं, एक बच्चे के खिलौने की, एक बच्चे, अरे क्या हो गया, एक बच्चे खिलौने की और एक खाने पीने की। ऊट की राइड वाइड चल रही है भाई, ऊट लेके आ रखे दो तीन, ऊट की राइड चल रही है। बढ़िया झूले ही झूले हैं, मतलब कम से कम 8-10 झूले हैं इसमें देखा जाए तो। क्या चलता है बढ़िया सब, यही से हूं, आपके ब्लॉग देखते हो वीडियो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये देखो जी, ये अरे वाह, ऊट कते सजा रखे हैं बढ़िया करके, कितना बड़ा ऊट है। बचपन की यादें हमारी, बचपन की यादें ऐसे आने लगी, बचपन की यादें। नहीं निकाला भी एक बार, ओ भाई साहब 5-6 हो गए, 6 किस्में दिखाना एक बार, 5-6 आने लगे हो, वरना पहले खाली एक सिंगल आता था। बचपन की यादें अपनी है। यही अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे, उसमें से भाई मिला, एक भाई का नाम क्या है, आकाश चौधरी। आकाश चौधरी, आप तो यहीं से हो, देखते हो वीडियो। मुकुल भैया की वीडियो इतनी अच्छी है, ये मुजफ्फरनगर के बारे में सब कुछ बताते हैं। इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक बार बता दो कि मेरा लगा क्यों हुआ है, तो एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के लिए ना। हाँ, बच्चों भैया बता रहे कि 1 महीने की छुट्टी है बच्चों की, तो ऐसे लगा दे मुझे, सही है ना, बच्चों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। अच्छा भैया, अच्छा लगा मिलकर। उसकी सवारी से आज एक नई बात पता चली कि उसकी सवारी करने से लंबाई में उम्र बढ़ती है, मतलब ऊँट पे घुमाने के लिए कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी। मम्मी के बिना घर तो खाली है ही, घर में आती बिल्कुल शांति, और ये सब काम जो होते हैं ना जो बैठे बैठे मिल जाता है, ये भी अब अपने आप करने पड़ेंगे। तो भैया खाना लगा लिया अपना, घर पहुंच गया था मेला घूमने के बाद, और मेला मुझे सही लगा बहुत कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे टाइम में जब छुट्टियां पड़ती थी तो हमारा क्या काम था करने का, कुछ भी नहीं, हम अपना गली में खेलते थे, घूमना फिरना ये वो बस। और अब क्या है, बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है कि जाके झूला झूलो, और जिन बच्चों को फिर बाद में लगता है ना डर हाइट से और चीजों से, उनका डर बचपन में ही निकाल दो, उनको झूले झुलाओ बढ़िया बढ़िया करके बड़े वाले, उससे उनका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और जो है डर वो भी निकल जाएगा। प्लस मैं पूछ के वहाँ के जो टिकट के प्राइस हैं, तो टिकट 20 रुपए से स्टार्ट है किसी भी झूले के, 20-50 से, मतलब 150 रुपए से ऊपर किसी भी झूले का, किसी भी चीज का टिकट उससे ऊपर है नहीं, तो रेट भी सही है। तो और ये मेरा लगा है अपना शोल्डर बोर्ड में, तो किसी को जाना है तो जा सकता है। खैर, तो अभी के लिए भाई मैं खाता हूँ खाना, खाना खाने के बाद सोएंगे, और कल जाने वालों में आपको दिखाने, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि गुड़ कैसे बनता है हमारे शहर में, और हमारे शहर का जो गुड़ है वो फेमस है, ऐसे ही हमारे मुजफ्फरनगर की साइड, ये जो बेल्ट है पूरी हमारे साइड की, यहाँ पे ईंट के भट्टे बहुत हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि भाई जब मैंने गुड़ बनता नहीं देखा था तो मैं देख के आया, आपको भी दिखाया मैंने, और बहुत लोगों को पसंद भी आया वो, तो क्यों ना अब देखा जाए कि वो ईंट होती है वो कैसे बनती है। तो मेरा बड़ा मन है देखने का, तो उसकी बात करी मैंने एक जगह, देखो अगर वो सीन शॉर्ट होता है तो फिर कल आपको वहां लेके जाऊंगा। अभी के लिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है, उसको ऑल पर सेट करना है। अच्छा लगे ब्लॉग तो व्हाट्सएप पे दिखाओ सबको, अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक में दिखाओ, सबको फैला दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।